कोकिला लता मंगेशकर को उनकी सुरीली आवाज के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। लता मंगेशकर के गाने को सुन सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी सुरीली आवाज के चर्चे हर जगह होते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति का वो गाना आज भी देशवासियों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो वहीं भारत सरकार की तरफ से स्वर कोकिला लता मंगेशकर को 28 सितंबर को सम्मानित करने की योजना बनाई गई है। दरअसल 28 सितंबर को लता मंगेशकर का जन्मदिन है और वो इस दिन अपना 19th बर्थडे मनाएंगे। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए और बड़ा दिन लता जी के लिए बनाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित करने के लिए योजना बनाई है। बता दें कि मोदी जी लता मंगेशकर की आवाज़ के बड़े फैन हैं और मोदी जी का मानना है कि लता मंगेशकर का सम्मान करना एक बेटी का सम्मान करना होगा, इसलिए सरकार 28 सितंबर को उनके जन्मदिन पर डॉटर ऑफ द नेशन का खिताब से लता मंगेशकर को सम्मानित करेंगे। तो वही 40 के दशक में ही गाना गाने की शुरुआत करने वाली लता मंगेशकर के गाने की खूब तारीफ होती रही। आज भी लता मंगेशकर के गाने को लोग बड़े ही शान से सुनते हैं। आज भी लोग गाने को कितना भी सुन ले मन नहीं भरता और ऐ मेरे वतन के लोगों गाना सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।